नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, क्योंकि कल भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर रही है और उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि किस किस तरीके के पड़ाव यहाँ पर आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। जैसे हरियाणा में प्रवेश हुई कि राहुल गांधी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक जो चिट्ठी लिखी जाती है कि आप जो है देश हित के अंदर जिस तरीके से चीन में जो कोरोना का स्प्रेड आया है और उसको ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करें या नियमों का पालन करें। तो कहीं ना कहीं जो कल पूरा एपिसोड हुआ या ये कहें दो दिन से जो एपिसोड हुआ, उससे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं बौखला गई है और उसी में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल पे लोग हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है एडवोकेट मोनू राव जी और साथ के अंदर है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी और वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद रहे जो हमारे साथ विनय राव जी है, विनय यादव जी है, वो भी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व पार्षद है और वार्ड नंबर 2 से पार्षद रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है कहें के सत्ता पक्ष के गले की फांस बनी हुई है कि जिस तरीके से लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुट रहे हैं उससे सरकार कहीं ना कहीं कहें के बीजेपी बौखलाई हुई है, उसी पे चर्चा करेंगे। केशव जी, पहले आप ही के पास आता हूं, क्या लगता है जैसे हरियाणा में प्रवेश होती है एकदम से कोरोना आ जाता है, तमाम देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कोरोना ले आता है, कहें कि कोरोना चीन में है लेकिन सुनामी रेवाड़ी हरियाणा में सुनाई देती है, हिंदुस्तान में सुनाई देती है, किस तरीके से देखते हैं कि राहुल गांधी को एक नोटिस देना, चिट्ठी लिखना स्वास्थ्य विभाग की ओर से और ये कहना एक मंत्री चिट्ठी लिखता है कि आप अपनी यात्रा को जो है स्थगित कर दीजिए, किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है भाजपा बौखला गई है? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो एचआर न्यूज का सभी चैनल का, जो भी मेरे भाई बहन जो भी चैनल देख रहे हैं, आपको धन्यवाद। आपने बहुत ही सही टाइम पे बहुत सही मुद्दा उठाया है। आप मेरे को एक चीज बताइए, अब भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम मुकाम के ऊपर है, अब तक इसने भारतीय जनता पार्टी के कहां से कन्याकुमारी से चली ये यात्रा, जब यहां तक कुछ इसने कुछ फर्क नहीं पड़ा तो इससे आगे क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 2, भारत सरकार का सबसे पहले वो केंद्रीय मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय के मिनिस्टर एक पत्र लिख रहे हैं राहुल गांधी को, तो अपने पत्र के अंदर उन्होंने क्या गलत लिख दिया मुझे आप बताइए। वो यही तो लिख रहे हैं, कोरोना का आपने सिर्फ मात्र पालन करना है। और इस समय आप सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष तो क्या चाहता है, विपक्ष चाहता है कि चित भी हमारी हो पट भी हमारी हो। देखिए आप मेरी बात को, उसके अंदर सबसे पहला जो शुरुआत जहां से हुई है, हमारे हिमाचल के नए नए सीएम सुक्कू जी वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल हुए थे, सबने देखा, वहां से वो कोरोना पॉजिटिव होकर अपने शिमला पहुंचे हैं। उन्हें खुद डिक्लेयर किया कि मैं उस यात्रा के अंदर गया था और मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। आप मुझे ये चीज बताइए, देन कहां से आए? उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन ज्वाइन नहीं किया था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी फंक्शन में भी वो नहीं गए थे। भारत जोड़ो यात्रा में अगर वो गए और वहां से कोरोना पॉजिटिव होकर लौटे हैं, उन्होंने माना है इस चीज को, तो आप मेरे को उस पर अगर संज्ञान भारत सरकार ही संज्ञान नहीं लेगी तो मोहनलाल जी कौन लेगा? ये तो भारत सरकार तब कहां सो रही थी जब जुलाई के अंदर BF7 जो नया वेरिएंट आया है उसके जब केस मिले जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अलग अलग चार, जिस तरीके से बातें आ रही है मीडिया में के चार केस मिल चुके, और अब सरकार दिसंबर में जाग रही है, जब दिल्ली के मुहाने पर यात्रा पहुंच गई है तो सरकार देखती है, और खुद बीजेपी की यात्रा निकल रही है जन आक्रोश यात्रा अलग अलग प्रदेशों के अंदर, वहां नोटिस क्यों नहीं दिया, सबको दे देते, संसद की कार्यवाही रोक देते, लॉकडाउन लगा देते, जरूरत क्या है राहुल की? आप राहुल को नोटिस दे रहे हैं, सवाल तो वहीं से खड़े होंगे ना कि आप बीजेपी खुद अपने जाल में फंस गए कि आप एक आदमी को दे रहे जो यात्रा निकाल रहा है दिल्ली के मुहाने पे, देश की राजधानी में यात्रा पहुंच रही है और उसके बहुत बड़े मायने हैं, तमाम देश का मीडिया कहे देश प्रदेश का या इंटरनेशनल मीडिया वहां रहता है, तमाम राजदूत वहां रहते हैं अलग अलग देशों के, जब देश की राजधानी में घुसे तो आपको कोरोना याद आता है और आप उनको नोटिस देते, सवाल तो वहीं से बीजेपी की बखिया उधड़ गई। तमाम चीजें भाई, प्रधानमंत्री रैली करते हैं 2 दिन पहले, जाते हैं शादी समारोह में, कल संसद में मास्क दिखता है, शादी समारोह में मास्क नहीं दिखता, भाई हम करें तो रामलीला और दूसरा करें तो रामलीला नहीं, ये कहां का न्याय है ये बताइए। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता नहीं है, मैंने कहा हंड्रेड परसेंट मोहनलाल जी, मैं उस देशभक्त के साथ खड़ा हूं जो हमारे देश के बारे में सोचता है। सबसे पहले मैं रेवाड़ी के साथ खड़ा हूं, ठीक है। नंबर 2, आप मेरी बात को सुनिए, इस समय चीन के हालात आप देख रहे हैं, 3 दिन पहले तो चीन के हालात थे, आज क्या हालात है। सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर कल ही मोदी जी ने
जो भी मीटिंग बुलाई सबसे पहले सब उसको देखिए, आप कोई भी सांसद हो सब मास्क पहन के बैठे थे कि नहीं बैठे थे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। नंबर दो, पूरे देश के अंदर कल सबसे पहले जितनी भी सबसे पहले उत्तरीय मीटिंग जो बुलाई गई वो पूरे कल राहुल गांधी की यात्रा जोड़ो से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। मैं आपको देखिए, मैं आपको बताऊं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे लोग कितनी भी भीड़ कर ले, उससे यात्रा के भारत जोड़ो यात्रा से ना तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। ये हमारे क्या, अब भारत जोड़ो यात्रा में कल आपको एक विशेष बात में बताना चाहूंगा मोहनलाल जी, हम हरियाणा से जानते हैं, उसके अंदर साफ साफ कई बैनरों पे ये लिखा हुआ है कि भारत तोड़ो यात्रा है ये सत्ता के पीछे। यहां तो आपको पता है कि हमने हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है, हरियाणा के अंदर मात्र मैं आपको बता दूं, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस से जुड़े छत्तीस बिरादरी है, मैं आपके दावे के साथ कहना चाहता हूं आप उस भारत तोड़ो यात्रा ही नाम ले रहा हूं, मैं उसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहूंगा मोहनलाल जी। तो यही तो कह रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के लोग हैं, समर्थक लोग हैं, वो कहने का हताश है, परेशान है। आप एक बात बताइए, आपने भारत जोड़ो को भारत तोड़ो कह दिया, मोनू राव जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट भी हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। मोनू राव जी, मोनू राव जी नमस्कार, सुन लिया होगा आपने, सुन लिया हमारे केशव चौधरी हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये हताशा है क्या है आपको, क्या लगता है हमारे केशव चौधरी जी बौखला गए हैं, इनको तो कुछ नहीं दिखता। वो एक वो आपने भी एक कहावत कही थी, हम करें तो रामलीला, बाकी करे तो समझ जाओ आप। भाई आप एक बात बताओ, आज राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब ये कहते हैं उसके अंदर कि भाई कोरोना आ गया है, कोई बात नहीं। जब आप लोग राजस्थान में बाकी जगह जन आक्रोश यात्रा निकालो जब कोरोना गायब हो गया, अरे सोचने वाली बात है। आप रैली करो तो कोरोना गायब, दूसरी पार्टी रैली करे तो कोरोना इनकमिंग हो जाती है, ये कोई सोचने वाली बात है। तो भाई मोनू राव जी गलती आप लोगों की है ना, बैठ नहीं होते मोदी जी को सारी जगह चुनाव लड़ने दो, इन्हीं को रैली करने दो, तुम क्यों कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मोहनलाल जी जिस किला थी उसकी भैंस। अब एक बात बताओ, अब ये कहते हम यहाँ जीत गए वहां जीत गए, अभी चुनाव हुए दिल्ली में आपने देखा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है गुजरात इनकी सीट थी ले गए, कोई बात नहीं हमारी कमी रह गई होगी, बाकी जगह आप देख लो सुपड़ा साफ हुआ नहीं हुआ बीजेपी का। अब हालात लोग देख रहे हैं। अब केशव चौधरी जी ने अभी एक बीच में एक शब्द कही थी कि मैं रेवाड़ी का हूं, केशव चौधरी जी मैं आपको रेवाड़ी के हालात बता देता हूं, अब आप रेवाड़ी के हालात देखो, रोडों के हालात देखो। आपने चौधरी साहब आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, लाइटों का कैसी बात कर रही हो, रेवाड़ी में भरपूर विकास हो रहा है, अब मोनू कैमरा लाए जाए। मोहनलाल जी मैं रेवाड़ी के भरपूर विकास की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं चौधरी साहब से कह रहा हूँ केशव जी से, आज आपने देखा बिजली के जो लाइटों के ठीक होने के टेंडर थे वो भी आज कैंसिल हो चुके हैं। रेवाड़ी की रोडों की हालात देखो, लाइट नहीं है रेवाड़ी के रोड अजी सुनो, मैं तो विकास हो रही छोड़िए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं ये कहना चाहता हूँ चौधरी साहब से, चौधरी साहब हिम्मत होनी चाहिए कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलने के लिए, टीवी के ऊपर बैठ के भाषण देने के लिए, न्यूज पे भाषण देने के लिए, चाहे मोदी जी कोई भाषण दे लो, आप भी दे लो मैं भी दे लूं, पैदल चलने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है जी। और आप कहते हो कि कोरोना कब था, जब आपकी यात्रा होती है कोरोना गायब हो जाता है, आपकी रैलियां होती है कोरोना गायब हो जाता है, दूसरी पार्टी अगर रैली कर दे तो कोरोना आ जाता है। आप मुझे इस चीज का चौधरी साहब, मैं आपको लास्ट 3 साल का एग्जाम्पल देता हूं, जब बिहार में पहले चुनाव थे, यूपी में चुनाव थे, जब कोरोना चल रहा था उस टाइम आपकी रैलियों में हुआ करती भीड़, उस टाइम देखो चौधरी साहब मैं बताता हूं, कोरोना की हिंदुस्तान में एक दवाई है, बीजेपी की रैली हो तो कोरोना गायब और दूसरा रैली कर दे तो कोरोना आ जाता है, मास्क लगा लो। तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा ये सब, भाई बीजेपी कहती थी कि सड़कों पे उतरना चाहिए, विनय जी हमारे साथ है, विनय जी से भी बात जरूर करेंगे,
क्योंकि इनको इसीलिए बैठा रखा है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पक्ष विपक्ष की बात करने विनय भाई हमेशा सच बोलते हैं, इस चीज का हमको भी पता है ना भाई बात तो वही कर रहे हैं ना भाई, क्या निकल के तो आए कम से कम भाई, क्या तकलीफ है मतलब यात्रा से इतनी तकलीफ हो गई क्या, बौखलाहट इतनी हो गई क्या, एक आदमी सड़कों पर आ गया जन समूह के साथ जुड़ रहा है कुछ यात्रा से तकलीफ नहीं, यात्रा से तकलीफ तो इनको ये हो गई ना कि उपचुनाव जहां जहां हुए वहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, खाली गुजरात की सीट थी घर है जीत गए, बाकी जो सुपड़ा साफ हो गया। अभी तो राहुल गांधी ने चलना चालू करा है, इनको बौखलाहट हो रही है। अब इनको बौखलाहट ये है कि अगर राहुल गांधी पूरी यात्रा कर लेंगे तो इनकी सीट है जब्त हो जाएगी हर जगह पे। विनय जी क्या कहेंगे, मतलब जो मैं तो सीधा सवाल, ये दो दिन से ये एपिसोड जो चल रहा है पत्रबाजी राहुल को देना, राहुल का जवाब आना कि वे मेरी यात्रा को खराब करने के लिए कोशिश की जा रही है, रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं, मैं इस पक्ष एक बार सीधा सवाल ये करूंगा। सबसे पहले तो मैं एचआर न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मोहन जी, एक बहुत ही सही समय पर आपने ज्वलंत सवाल जो है वो पूछा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उससे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पे कितना अनुकूल और कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये आप मान के चलिए, जब भी कोई भी पार्टी सड़कों पर उतरेगी उसके नेता उसके कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे, जनता से रूबरू होंगे, तो उनको निश्चित इसका फायदा मिलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जब कांग्रेस सत्ता में थी, इनका पूर्ण बहुमत था, उस टाइम जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में रहते थे, रूबरू रहते थे और वो जनता की समस्याओं को उठाते थे, तो उनका फायदा भी उनको आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आ पाई है। तब सबसे बड़ी बात क्या है, और पिछले काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में बहुत स्टेटों के अंदर शासन है, तो जो लोग अपने मन की बात कहना चाह रहे थे, जो लोग सत्ता से विमुख थे, जिनको डर था हम सत्ता के खिलाफ बात करें तो किससे करें, अपने दुखड़ा रोए तो हम किसके साथ रोए, तो एक लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो बड़े बड़े नेता ये कहते हुए नजर आते थे, अगर विपक्ष कहीं है तो विपक्ष हमें सड़कों पर उतर के दिखाए, हमारे विरोध में उतर के दिखाए, तो ये जो उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनका कथन था, उसको सार्थक करते हुए कांग्रेस के जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प लिया और वो यात्रा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के अंदर डर तो जरूर है, ये यकीन मान के चलिए, पर जब सत्ता उनकी खुद की है और वो जिस तरह के दावे उदम भर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको लोगों के सामने कैसे शो करें, अगर हमारे ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो इस डर की वजह से कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई नई नई चीजें उस यात्रा के दौरान उठा रहे हैं। आपको एक और चीज लगता है, जिस तरीके से यात्रा जो निकल रही है कि कहीं ऐसा ना जो 250-300 लोगों को कांग्रेस से निकाल करके बीजेपी अपने पाड़े में दे गई, उनका मन बदल जाए, फिर घर वापसी हो जाए और बीजेपी जिस पोजिशन में थी वापिस दोबारा से आ जाए, क्योंकि अगर मोदी का कहीं हो रहा होता तो दूसरों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें तो आधे से ज्यादा आपके पास कांग्रेस की। सवाल ये आपके पास क्या है, आप अपने कैंडिडेट को कहां जिता पाए, भाई जितने भी आपने कहे, रविंद्र जीत की बात कर लीजिए, आप औरों की बात कर लीजिए, सभी बताइए ना, सभी कांग्रेस से आए हुए। मोहन जी, ओरा किसी भी नेता का समय और समीकरण पर डिपेंड करता है। अगर आप मोदी जी के ओरा की बात करें तो जिन जिन स्टेट में अगर चुनाव हारे हैं तो वहां का ठीकरा भी मोदी जी के सिर ही फूटना चाहिए। अगर हम जीत का श्रेय किसी स्टेट में मोदी जी को देते हैं, मुखिया को देते हैं, प्रधानमंत्री जी को देते हैं, तो हार का ठीकरा भी उन्हीं के सिर फूटना चाहिए। मगर आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना क्या हो रही है, हमारे यहाँ के जो भारत के जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं या समाचार पत्र हैं, वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं, वो कलम जो है ना वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र से नहीं लिख पा रही है। सरकार के खिलाफ न्यूज चैनल 48 घंटे में चीन की खबर ले आता है, एक रिपोर्टर घर से बाहर नहीं निकला, वही चार वीडियो सारे चैनल पे चल रही है, सुनामी ऐसी ला गई कि वहां तो जो है 60% लोग जो है कोरोना के हो जाएंगे और ऐसे लोग मर जाएंगे, उन्होंने तो आंकड़ा बता दिया 20 लाख लोग मर सकते हैं। इनकी मेरे सवाल ये, इतना फास्ट मीडिया इंडिया का है जो 48 घंटे के अंदर उसके पास सारी खबर आ रही है, और अब तक वो सो रहा था, जब तक त्रिपुरा में रैली थी जब तक और था तब तक तो वो सो रहा था, एकाएक जब दिल्ली के मुहाने पे आई तो ऐसे कोरोना आ गया जैसे हिंदुस्तान में कैसे बवाल मचा, यानी कि तमाम चैनल टूट पड़े। मेरा सवाल ये है कि मतलब इतना फास्ट मीडिया हो गया कि एक साथ यानी कि योजनाबद्ध तरीके से दमादम लोगों को परेशान कर दो, एकदम से दिखा दो कि हाँ जी कोरोना आ गया। अरे भाई कोरोना आ गया, सरकार कहां सो रही है, मीडिया दिखा रहा है, सरकार कहां सो रही थी,
ये अपनी रैली को स्थगित कर देते, अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर देते, संसद चल रही है। मोहन जी पिछले 3 सालों से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना कब आया और कब गया इसका अगर पता चलता है तो स्वास्थ्य विभाग को भी बाद में पता चलता है। सबसे पहले मीडिया जो चैनल है वो घोषणा करते हैं कोरोना स्टेज पे आ गया है, इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, और वो ही कह देते हैं जब कोरोना देश के अंदर खत्म हो गया तो उससे ही लोगों को पता चलता है कोरोना कब आया और कब चला गया। हिंदुस्तान में कोरोना का कोई केस नहीं था पिछले लंबे 3 साल के अरसे से, कोरोना का यह इफेक्ट हिंदुस्तान में रहा है। मुझे ये बताइए जिसकी भी सत्ता सेंटर में या स्टेट के अंदर है, उन्होंने आगे कोरोना का इफेक्ट देश में ना आए उसके लिए उन्होंने क्या उपाय किए, क्या संसाधन जुटाए और उन्होंने क्या सावधानियां बरती? कुछ नहीं बरती। केवल सभी पार्टियों का यह चल रहा है किस भी स्टेट में हमारी सत्ता कैसे आए, उस दौरान ये जो सावधानियां सबको दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे आप गुजरात का चुनाव लीजिए, उससे पहले बिहार का चुनाव लीजिए, उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव लीजिए, और बंगाल का ले लीजिए, बंगाल का चुनाव लीजिए, तब तो रैली कर लेते, बंगाल का चुनाव के वक्त तो रैली कर लेते। कोरोना का पीक टाइम था उस टाइम अगर सत्ताधारी पार्टियां रैली कर सकती हैं तो अब विपक्ष के ऊपर ये लांछन लगाना उनके लिए सरासर गलत है। यानी कि आपको लगता है विपक्ष के साथ ठीकरा फोड़ने के लिए भाई हमने तो आगाह किया था, और जब राहुल गांधी ने पहली मरतबा आगाह किया था कि चीन से ये चीज हो सकती है, जो पहला कोरोना का केस आया था आपको ध्यान है जब शुरुआत हुई थी, मैं अब तो सरकार ने सुना नहीं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, जब कोरोना हिंदुस्तान से पूर्ण रूप से गायब हो चुका था, उन्हें पता है थर्ड वेव आज से 6-7 महीने पहले थर्ड वेव अदर जो हमारे देश है उनके अंदर चल रही है, तो भारतीय जो हमारे जो चिकित्सा बोर्ड है या हमारे जो एयरपोर्ट्स है उनके ऊपर इन्होंने सख्ती क्यों नहीं बढ़ाई गई, कोरोना की जांच वहां क्यों नहीं गई, आने जाने वाले पैसेंजर क्यों नहीं की गई। अब दोबारा से कोरोना के अगर केस हिंदुस्तान में आइए तो हमारी भारतीय सरकार के लिए, हमारे जो मेडिकल लाइन है इनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब इतनी सावधानी उन्होंने बरतनी चाहिए थी, जब पहली उन्होंने दो उससे सबक नहीं लिया तो कम से कम तीसरी उससे तो उन्हें पहले एडवांस चलना चाहिए। आपसे एक और सवाल थे कि जब ये चीजें अगर आ गई मीडिया में तो आपको लगता सबसे पहले आप क्या करेंगे? भाई आपको अगर बताया जाए ये चीज आने वाली है, जहां से आ सकती है उड़न दस्ते की तरह हवाई जहाज के, तो आपको नहीं था पहले फ्लाइटों को रोकना चाहिए था, इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक दे, चीन से जो फ्लाइटें आ रही है या जापान से जो आ रही है सबसे पहले आप वहां से पाबंदी लगाएं। आप तो पहले अपने घर में रजाई में दुबक जाओ जी, कोरोना आ रहा है बाहर मत निकलो बाजार में, अरे सांड बाजार में लड़ रहे हैं आप घबरा रहे हो अपने घर के अंदर। मेरा सवाल ये कि अगर वो हाल हो गया, मेरे को आज एक वाक्य याद आता है नारनौल का, नारनौल में कॉलेज के बाहर गोली चल गई रेलवे रोड के ऊपर जो कॉलेज है वहां पर, और आजाद चौक में लोग बच्चों को ढूंढ रहे, अरे मेरा बच्चा, अरे भाई गोली वहां चली है तू बच्चों को यहाँ ढूंढ रहा है। तो मेरा सवाल ये चीन में कोरोना आया है, आप पहले जो इंतजाम थे आपको वो करने चाहिए थे, पहले आपको फ्लाइटें बंद करनी चाहिए थी, आप तो सीधा सबसे पहले पहुंच गए राहुल गांधी के पास नोटिस लेकर के, बोले जी आप मास्क पहनिए, ये करिए वो करिए, अरे राहुल से इतनी तकलीफ हो गई क्या? जिसको आप कुछ नहीं समझते फिर उसकी इतनी चिंता क्यों? मेरा सवाल ये इतनी चिंता होती क्यों? मोहन, या विपक्ष नहीं रहेगा ये डर था कहीं ना कहीं मोहनलाल जी, या जानबूझ के साजिश है राहुल को हीरो बनाने की, क्योंकि कल तक मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा था, मतलब उसकी यात्रा को दिखा नहीं रहा था, और एकाएक टूट पड़ा मीडिया तो उसको तो ज्यादा प्लेटफॉर्म मिल गया, वही गलती आपको नहीं लगता बीजेपी कर बैठती जो कांग्रेस ने कर दी थी 2014 के अंदर, अगर अन्ना आंदोलन को शांतिपूर्वक खत्म करा देती तो ये हालात और स्थिति नहीं होती। मोहनलाल जी बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा इतने जो मोहनलाल जी पूरे देश के अंदर इस कांग्रेस ने जब पूरे देश के अंदर जब राज किया था तब इनको कभी श्रीनगर या कभी लाल चौक इनको याद आया? भारतीय जनता पार्टी तो कई बार श्रीनगर की यात्रा कर चुकी है, एक बार की याद ना दिलाएं। और सत्ता के अंदर मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, मैं नजदीकी से रहा हूं, कई बार आप अपने चैनल के माध्यम से कहते भी हैं कि केशव जी आप पुराने कांग्रेसी, मैं आपको बता दूं ये लोग इतने घमंडी लोग होते हैं मोहनलाल जी, ये बात करने तक तो नहीं करते थे बात करने को, मतलब मैंने इनके दरवाजों में नॉर्थ वेन्यू साउथ ब्लॉक, अब इनको इसी मौके पर श्रीनगर क्यों याद आ रहा है मुझे बताइए बात, इनको लोगों का यही सुबह से श्रीनगर याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वैसे किया था तो हम भी वैसे कर लें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मोहनलाल जी बताना चाहता हूं, एक नहीं अभी एक यात्रा इनकी अभी श्रीनगर कर खत्म होगी, मैं कहता हूं एक यात्रा श्रीनगर से दोबारा करने का मार्ग शुरू करें, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सुनिए, ये 2024 तक कांग्रेस यात्रा करती रहे, मैं आपके चैनल से कई बार मैं कह चुका हूं जनता से इनका मोह भंग हो चुका है, और फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
भी जनता पलटती है ना, सरकार कौन तय करती है, जनता तय करती है, आप और हमारे हाथ में है नहीं। अरे वही तो आज मोहनलाल जी, आज आपके चैनल से मैं कह रहा हूं, ये तो खाली राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में जहां जहां कांग्रेसी हैं, कम से कम अपने घर से निकलकर शहरों में पूरे देश की हरियाणा की यात्रा शुरू कर दें, उससे अब इनकी जनता इनके राज को अच्छी तरह देख चुकी है। अरे आपकी, अरे केशव भाई, अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, आप तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आप इतने भाई आपको तो फिर कांग्रेस में जाना पड़ सकता है, सत्ता परिवर्तन के साथ आप चले जाओगे। मोहनलाल जी सुनिए, वही तो क्यों मोहनलाल जी आप सुन लीजिए, कभी दूल्हे से नहीं बनती, दूल्हे के साथ बाराती जाते हैं, जब बारात बनती है पैनल यात्रा के विरोध प्रदर्शन किए, कभी एक नेता से प्रदर्शन नहीं हुआ, उनके साथ जनता को भी जुड़ना पड़ा, उनके कार्यकर्ताओं को भी जुड़ना पड़ा, तो इसी तरह राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के नेता भी यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक भी यात्रा कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। ये विनय भाई सिर्फ आपको यात्रा ने भी यात्रा की थी, पदयात्रा ने भी, उस दौरान खाली अजय चौटाला यात्रा नहीं कर रहे थे, उस टाइम उनके आप उस यात्रा को, भारत तोड़ो यात्रा को आप उसके विजुअल उठवा के देख लीजिए, देखिए छोटे छोटे बच्चे निपट रहे हैं। अरे आप मोहनलाल जी, अरे मोहनलाल जी देखिए ऐसा पानी को तो पानी कहेंगे, आप पानी को दूर समझ के कब तक पिएंगे, आप सच्चाई को निकल नहीं रहे, अपनी बात ऊपर रखनी है, चौधरी साहब ने सच्चाई चौधरी साहब को मैं ये कह रहा हूँ, आपकी जो बीजेपी सरकार है वो पूरी कांग्रेस से बनी हुई है, और आप भी कांग्रेस ही थे जी। अरे आपने पार्टी बात किया गए, अरे ये कोई मतलब नहीं हुआ। मोहन मोनू जी, मेरी छोटी सी बात आप सुनेंगे, मोहनलाल जी के चैनल के दावे से कहना चाहता हूँ, जिस नेता से आप जुड़े ना मेरे चैनल पर जिक्र मत करिएगा, आप उनसे पूछिएगा कि स्वामी धर्मदेव जी के यहाँ जब इंद्रजीत के टिकट का सवाल था तो रात को वो कहाँ थे और किन से मीटिंग, वो खुद आतुर थे, जिस नेता की आप बात कर रहे हैं ना, इंद्रजीत पहले कांग्रेस में था, जिस नेता की आप बात कर रहे हैं ना, इंद्रजीत को तो सत्ता सुख लेना था, जब भी तो बीजेपी भाग गए इंद्रजीत। अब देखिए मनोज जी, जब आप बोले थे मैं कुछ नहीं, अच्छा बताइए बताइए बताइए, मैंने आपके उसी नेता को भारतीय जनता पार्टी को नतमस्तक होते हुए देखा है टिकट के लिए, शर्त सिर्फ ये थी, और आप उनको अंजल मेरे चैनल के सामने कभी डिबेट करा दीजिएगा, उनसे उनकी दो शर्तें थी कि मुझको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेरे बेटे का विधानसभा, उस समय ये अगर मेरी बात के अंदर आपको झूठा पाए तो मैं आपको दावे से कहता हूँ मोहनलाल जी खड़े चौराहे में आपकी बात मानूंगा, अपने नेता से आप सब बात पूछ लीजिएगा, राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे, अगर उनको डर नहीं लग रहा था तो कांग्रेस चुनाव फाइट करते लग जाता, और चौधरी साहब मैं आपको नई चीज बताता हूँ, राव इंद्रजीत सिंह ने अपना इंसाफ मन तैयार करा, राव इंद्रजीत सिंह इंसाफ मन तैयार करा, अरे अपने इंसाफ मन से चुनाव फाइट करते ना पता लग जाता कि एमपी बनते नहीं बनते, उनको तो सत्ता सुख लेना था, इससे उनकी लहर मोदी की थी, वो चलेगा बीजेपी में। मैं राव इंद्रजीत सिंह का प्रवक्ता नहीं हूँ, नंबर दो, इस चैनल के माध्यम से भी मैं इस बात के अंदर भी दो राय कोई नहीं है, मैं राव इंद्रजीत सिंह का कोई भगत भी नहीं हूँ, लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से दावे से आपको मैं कह सकता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बहुत कद्दावर नेता हैं, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। मैं उनका भाई कैसे जी मुद्दा है सीधा रैली, आप कैसी बात कर रहे हैं यात्रा का, चलिए आइए उसी में, हमें पता है राव के बिना भाजपा की नई बात नहीं हो सकती, अरे खेल तो यही हम कह रहे हैं, हमारा सवाल तो यही था कि बीजेपी के पास क्या है, मोदी जी के पास क्या है, अगर राव नहीं है तो क्या बीजेपी हरियाणा में जीत सकती है, सवाल ये है मेरा, है तो वो भी कांग्रेस के, कल तक आप भी कांग्रेस के थे, आप नहीं जानते बीजेपी में, तो बीजेपी की कहां हवा बढ़ती, आप नहीं तो कट्टर बीजेपी थोड़े ना, स्वामी धर्मदेव जी कट्टर बीजेपी के थोड़े ना, इन्हें टिकट पे चुनाव लड़ चुके, वैसे वो स्वामी जी बनते हैं, ये बात नहीं है,
राजनीति में कोई किसी का नहीं है। जो आप कह रहे हैं स्वामी धर्मदास जी बीजेपी के, वो कल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के साथ आएंगे, ये नहीं है। राजनीति में सच्चाई वाले कोई किसी का नहीं है। मोहनलाल जी, आप हर एक उम्र का एक पड़ाव देखिए, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो आपने जिस शब्द आपने जो कहे सबसे पहले तो आपको बता दूं, स्वामी धर्मदेव जी ने भरी पंचायत में बहुत बड़ा सीएम साहब के यहाँ प्रोग्राम था पटौदी के अंदर, बहुत बड़ा वो उस समय स्वामी जी ने आजीवन 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 कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़े। अरे भाई अरे मोहन लाल जी, एक लड़ना और एक लड़वाना, एक लड़ना खुद जाकर टिकट मांगना और एक लड़वाना। चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, नहीं बताओ आप बात। अब आप मेरे मोहन लाल जी इस बात को, मोनू राव जी बैठे और अपने विनय भाई बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपके पास हर चैनल की आप रिकॉर्ड करते हैं, हर चैनल का आपके पास रिकॉर्ड रहता है। आज का ये दिन और आज के टाइम याद कर लीजिएगा, आजीवन पूरे रेवाड़ी विधानसभा सुन रही है और जहां तक आपके चैनल की आवाज जाती है वहां तक आप नोट करा दूं आपको, आजीवन हमारे ऊपर जिंदगी में जो कभी किसी ने जो एक एहसान हमारे ऊपर किया है, 1947 से आज तक हमने सोचा नहीं था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, जिस काफी तक लोगों को तकलीफ भी है कि मनोहर लाल खट्टर जी बनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं, मोहनलाल जी सत्ता आए सत्ता जाए, 54 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, जिंदगी में मैं ये नहीं कह रहा जीऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जीऊंगा, जहां मनोली कार्यकर्ता जी होंगे वहां जीऊंगा, जहां शर्मदेव धर्मदेव जी होंगे वहां जाऊंगा। रही कांग्रेस की बात, तो जीवन में सत्ता आए सत्ता जाए, कभी कांग्रेस के झंडे के नीचे आपको केशव चौधरी नजर नहीं आएगा। मोहनलाल इतने बड़े बड़े वादे तो बड़े बड़े मंत्री करके चले गए, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा मर जाऊंगा, और वही नेता बीजेपी में जाके घुस गए और मंत्री बन गए। अरे मोनू जी अभी तो कांग्रेस हाईसीए पे आप मानते क्यों नहीं है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस की सीट जो रेवाड़ी से निकली है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मेरे से ज्यादा आप भी जानते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ मैं, आप दोनों को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। स्वामी धर्मदेव जी ने लोकसभा का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से लड़ा था और वो इतनी बुरी तरह हारे थे कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं आऊंगा। लेकिन ये उनका कारण था चुनाव ना लड़ने का, पर वो प्रत्यक्ष राजनीति में ना रह करके अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पूर्ण भागीदारी आज भी राजनीति के अंदर है, पर्दे के पीछे का पूरा रोल वो निभा रहे हैं, ये राजनीति की लोलुपता है। अब वो स्वामी होकर कांग्रेस तो कभी महात्माओं को सम्मान कभी देती नहीं थी जिंदगी में, सिखाई नहीं है, कभी ऐसे नहीं थे। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ संत को महात्माओं को मान और सम्मान देती है और उनको आगे रखती है। आप सुन लीजिए, ये जितने भी संत महात्मा हैं, जिसकी भी सरकार होती है, जो भी नेता इनके पास जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, ये किसी एक के नहीं हो सकते संत। पर जिस तरह का आप जो संतों का आचरण हो रहा है, वो एक सत्ता पक्ष के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी लोलुपता जो है सत्ता के साथ जुड़ने की, वो कहीं ना कहीं संतों के ऊपर एक प्रचंड चिन्ह है, ये सच्चाई है। संतों का काम देश को दिशा देना है, समाज को दिशा देना है, ना कि सरकार के किए गए गलत कार्यों का भी बखान करना या उनकी खूबियों का गाना। जो सरकार काम है नहीं कर पा रही, जो लोगों की आवश्यकता है उनके लिए, उनको सरकार के लिए पत्र लिखना चाहिए, आंदोलन करने चाहिए। पर अब क्या चल रहा है, अब वो कोई भी संत हो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़ा है या विपक्ष से जुड़ा है, ये रही संतों की परिभाषा। दूसरा टॉपिक अब था भारत जोड़ो यात्रा का। अगर आप कह रहे हैं जी भारत जोड़ो यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं सहमत हूं केशव जी की बात से, क्योंकि मुझे एक वाक्य बहुत अच्छी तरह याद है। अब पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, ये सबसे बड़ी विनम्रता है। अब जो मुख्यमंत्री
बना है स्टेट के अंदर और लोगों ने उसको पूर्ण बहुमत देके सत्ता के अंदर बैठाया है, वो अगली अपनी सत्ता लाल सिंह के लिए एक यात्रा निकाल रहा है, अपनी ही सरकार में रहते हुए यात्रा निकाल रहा है। अगर मुझे इस बार जिताओ सत्तर पार का नारा देकर दिया और जनता ने उसको बुरी तरह नकार दिया और वो पार्टी सत्ता में पूर्ण बहुमत लेके नहीं आ पा रही, ये उनकी यात्रा की सच्चाई थी, ये उनकी यात्रा की सच्चाई थी जिसको कोई नहीं झुठला सकता, कोई नहीं ठुकरा सकता। तो विपक्ष में रहकर यात्रा करना, जनता को सुनना, ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां उनका काम है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो भी इस तरह की यात्रा निकालती थी, विरोध प्रदर्शन करती थी, मगर मैं दिलेरी उस चीज को मानता हूं, अगर हमारी स्मृति ईरानी जी या अन्य जो भाजपा के नेता है जिस तरह से प्रदर्शन करते थे और सरकार के खिलाफ सवाल उठाते थे, जनता को मुद्दों को उठाते थे, अब सरकार में मंत्री बनने के बाद उनके मुंह में दही जम गया है, वो किसी भी रूप में बोलना नहीं चाह रहे, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, जो नाकामियां उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, जनता जिन चीजों से परेशान है उन परेशानियों को नहीं सुलझा पा रहे और उनके लिए नहीं बोल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज कह रखी है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर पटक दिया जाएगा। जिसका जीता जाता उदाहरण ईडी है, वो मक्खी को निकालने के लिए जो कैंची का यूज होता है ना चिमटी का, वो ईडी का और अन्य विभागों का हो रहा है, ये सच्चाई है। आप भी जानते हैं, मोनू राव भी जानते हैं, मैं भी इसे अच्छी तरह जायज बात है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। जो सड़कों में रहेगा, मोनू जी सुनिए, जो सड़कों में रहेगा, जो जनता से रूबरू होगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार आदमी परेशान हो जाता है, गांव के अंदर गलत सरकार बन गई, सरपंच गलत बन गया, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं हो रहा था, बड़े बुजुर्ग अकेले कोने में बैठे सोचते रहते थे क्योंकि उनकी सुनने वाला था नहीं, सरपंच उनके पक्ष का नहीं था, वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहा था। तो कोई एक जहां गांव के जो युवा तबके थे वो दो चार आदमी उन बुजुर्गों के पास बैठने लगे, बाबा अकेले में क्यों बैठे हो, आपको क्या तकलीफ है। जब उनको लगने लगा कि ये युवा साथी हमारी तकलीफ को सुन रहे हैं, तो उन बुजुर्गों ने अपना जो दुख सहा जो अपना बखानता उनके सामने बयान किया। इससे पहले पिछले लंबे अरसे से जनता के बीच में कोई नहीं जा रहा था, तो जो देश की जनता थी वो अपना दुख किसी के आगे बयान नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो जो दुख है, जिस भी स्टेट के अंदर विपक्ष है वो यात्रा कर रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो लोग अपना दुख उनके आगे दुखड़ा रो रहे हैं। जितने सम्मान से हमने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाए थे वो काम उन्होंने कुछ भी नहीं किए, और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को बदला था। उस टाइम वो कांग्रेस से दुखी थे, कांग्रेस भी सत्ता के नशे के अंदर इतनी बदगुमानी में आ गई थी, जो केशव भाई ने अभी कहा, वो जनता की सुनती नहीं थी, किसी की मानती नहीं थी। तो ये वही काम बात भाजपा करने लग रही है, अब उन्होंने सत्ता के मद के नशे में चूर होकर जनता की समस्याओं को और नेताओं को दरकिनार कर दिया। राजस्थान में बात की 500 सिलेंडर देंगे, उसी का बात करते 400 रुपए के सिलेंडर में हम सस्ता देंगे। आप मुझे बताइए, एक नेता बताइए भारतीय जनता पार्टी का जो इन्होंने पोर्टफोलियो लेके आए, जो घोषणा पत्र जब भाजपा सरकार में आई थी देश के अंदर या प्रदेश में, उस पोर्टफोलियो में से आप उसका खुद का निकाल के वो पढ़ के उनको साबित कर सके, अगर इन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, इन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप एक नेता बताइए मुझे। केशव जी, आपसे कोई ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि ना भाजपा के प्रवक्ता है ना कार्यकर्ता है, आप बड़ी बखूबी सुंदर तरीके से अपना पल्ला झाड़ जाते हैं जब बात आती है इन तरह के मुद्दों की। जब आप कहते हैं मैं जनता के साथ हूं, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, उतनी दिलेरी नहीं है, ना वो मीडिया का सामना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, उनके सवालों का जवाब दे सके, जनता के सवालों का जवाब दे सके। अरे भाई, आज तक कभी मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौजूद आदमी कोई नहीं हो सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। सत्ता में रहने के लिए सत्ता का बखान करा के बंद करें, चाहे मोनू राव जी हो और चाहे केशव जी हो, आप जनता की समस्या सारा विनय भाई साहब सुनो, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, जो जनता की नहीं सुनेगा उसको जनता गद्दी से उतार देती है, और आप भी लगातार केशव जी ये बात कहते रहे। लेकिन अब सवाल ये है, दिल्ली का रोड मैप आ गया है, कई जगह यात्राएं घूमेंगी, अलग अलग एरियों में जाएगी, तो क्या लगता है, मतलब कल जो जाएगी, मैं तीनों से एक सवाल यही करूंगा कि आप उसको किस तरीके से देखते हो, जो विरोध कर रहे हैं वो क्या लगता है, कल जरूर सोशल मीडिया टीवी देखेंगे, ये मीडिया कुछ थोड़ा बहुत दिखा देगा, या कोई और अभी कोशिश की जाए, क्योंकि अभी रात बहुत है, कत्ल की रात कहें इसको, कि अभी दिल्ली में प्रवेश कल करेगी, तो उससे पहले आपको लगता है कुछ और रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं, पहले आप ही केशव जी। मोहनलाल जी, दिल्ली हमारे से कोई दूर नहीं है, दिल्ली हमारे से दूर नहीं है ना। आप देखिएगा दिल्ली के अंदर कांग्रेस की आज की तारीख में क्या हालत है, कुछ भी हो कांग्रेस, आप
अपने देखो ना चौधरी साहब बीजेपी का सुपर साफ नहीं हुआ अभी एमपी चुनाव के अंदर। दिल्ली तो चौधरी साहब बहुत दूर चली गई आपसे। कहाँ की बात कर रहे हो आप? एक मेरा जवाब दीजिएगा मोहनलाल जी, कल की आप लाल किला पे शाम को 4:30 बजे उनका प्रोग्राम है भारत छोड़ो यात्रा का, कल एक प्रोग्राम थोड़ा सा करेंगे 3 दिन बाद क्योंकि 25 तारीख आ रहा है और देश का बहुत बड़ा फंक्शन है, कल पूर्ण विराम देंगे ठीक है। सुन लीजिए मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, लाल किले के आसपास कल सिर्फ हरियाणा के नेताओं का और हरियाणा की पब्लिक का, जिस नेता को जिम्मेवारी दी गई है कि तुमने इतनी पब्लिक लेके जानी है, तुमने इतनी आदमी लेके जाने हैं, दिल्ली उनके साथ बिल्कुल ना कभी थी ना कभी है, कांग्रेस को तो दिल्ली ने बिल्कुल नकार ही दिया है। और कल शाम को 6:30 बजे आप विजुअल देखिए, आप ट्रिब्यूनल देखते हैं, मैं दावे से कहता हूं आपको सिर्फ मात्र हरियाणवी नजर आएंगे, कुछ लेना देना नहीं है। राहुल मैं कह रहा हूं 4 यात्रा और करें ना, एक बंद करे दूसरी भी चला जाए। जो इंसान दो आदमी छुट्टी करने गुजरात इलेक्शन में एक तो करने नहीं दे रहे, एक में तो आप कोविड भी है, मैं वही कह रहा हूं एक तो नहीं दे रहे चार करे एक ये एक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना मुझे कई बार लगती है। सवाल कहां खड़ा हो गया आपने, उसके तगड़ी लड़ाई पूरे देश को समझ में आ गया भाई, राहुल गांधी को दिया गया कई बार मुझे बीजेपी के लोगों ने रायता बखेर दिया, तमाशा बना दिया भाई, आपने खुद अपनी फजीहत करवा ली बीजेपी ने, मैं तो ये कह रहा हूँ। अरे मोहन लाल जी मैं आपसे कई बार तो मुझे लगता है कि मोहन लाल जी भी भाई बात में कोई दोहराया नहीं है, कांग्रेसी प्रेम मोहन लाल जी में है, कोई दोहराया नहीं है, कोई दोहराया नहीं है। सुनिए आज तक 60 साल पे इस पार्टी ने राज किया मोहन लाल जी, अभी आपने जो बात कही अगर मेरे अंदर कहीं भी होता है इतना लगाव, मैं धर्मपुर झील का चला जाता, मेरे से 50-60 किलोमीटर दूर है, मैं तो वहां भी नहीं गया, मेरा लगाव नहीं। मैं जो देख रहा हूँ, मैं एज ए संपादक एज ए एडिटर जो मैं देख रहा हूँ मेरा राइट है कि जो दिखे उसे भरोसा जाए, इसीलिए आपको रात को बैठाया है मैंने, बिल्कुल मोहनलाल जी आपके डिबेट चले आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि किसी ने तार बांध दिए राह के अंदर, कांटे वाले डाल दिए, किसान आंदोलन में नहीं देखा गया, आपने खड्डे खुदवा दिए, तो डर किस बात का लगता है भाई? जब आप कहते देश हमारे साथ है फिर आप डरते हो क्यों? मिले जी मेरा सवाल यही है, सारे भारत देश के कांग्रेसियों को इस समय यात्रा पे आ जाना चाहिए और 2024 में डिसाइड हो जाएगा, मैं तो मना कर रहा हूँ, मतलब करने तो दे ही नहीं रहे, रोड़ा तो ये है। अरे मोहनलाल जी क्या बात कर रहे हैं भाई, सवाल ये भाई क्यों लिखा भाई कोरोना वायरस, देखिए देश के अगर वो मैं कहता रहा हूँ, कांग्रेस चाहती है चित भी हमारी पट भी हमारी, पत्र लिख दिया तो क्यों लिख दिया, पत्र ना लिखते तो क्यों नहीं लिखा मोहनलाल जी? मैं फिर आपसे कहता हूँ इसका जनता डिसाइड करेगी ना, आप अपनी बात पे, मैं वही कह रहा था यात्रा को जाने देते, जनता ने डिसाइड करेगी, लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ डर किस बात का लग रहा है, लेकिन जो आपके पास हो रहा बना भाई, मैं अब इस आलीशान कोठी में रह लिया, मेरे पास हवाई जहाज 8,000 करोड़ का और मेरे पास सुरक्षा और ये पूरा फलाने और ढिकना, या वो जाता हो गई डर लगता है कि अभी सत्ता चली जाएगी, मैं तमाम चीजों की जो आदत पड़ गई 8-10 साल में वो कैसे मिलेगी भाई? सत्ता जिसकी जाती है उसको नींद नहीं आती है, ये उदाहरण के तौर पे आपसे कौन जानता है? अरे मोहनलाल जी मैं वही पूछ रहा हूँ, डर कहीं ना कहीं सता रहा है क्या कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ जाएंगे, 24 में पासा ना पलट जाए, लोग हमारे झांसे में ज्यादा नहीं आ पाएंगे, हम कब तक भाई झूठ बोलने की हद होती है, नौकरी आपने रोक दी, अर्थव्यवस्था के बुरे हाल कर दिया, उद्योगपतियों के आप सारे लोन माफ कर रहे हो, गरीब 20,000 का लोन ले ले उसके घर पुलिस आ जाती है, तो वही चीज जो जनता को समझ में आ गया, जनता राजस्थान में जुड़ गई हरियाणा में जुड़ गई, वो डर कहीं ना कहीं, मेरा सवाल तो यही था कि डर कहीं ना कहीं इंसान को कुछ हरकत करने में
अमादा करता है। मोहनलाल जी 2024 से पहले अभी 3 इलेक्शन और विधानसभा के हैं और वो जनता ने डिसाइड करने हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मोनू भाई को भी पता है और विनय भाई पता है और आपको भी पता है। हमने तो देख लिया जी, अभी उपचुनाव हुए थे, बीजेपी सुप्रसाप हो गया दिल्ली में, वैसे हो गया। चौधरी साहब अच्छी भी आपकी, पट भी आपकी, साल का इतिहास, अब आप उसको कहते हैं गुजरात हमारा था, आपके राहुल गांधी जी ने यात्रा गुजरात में क्यों नहीं ले गए अपनी उस यात्रा को? अरे तो कश्मीर से कन्याकुमारी चल तो रहे आप लोग, पहली बार आप लोग तो डर रहे हो, आप लोग तो डर रहे हो, इसलिए आपने कह दिया कि किसी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप लोग डर क्यों रहे हो कि कोविड आ गया। आपकी रैली होती है तो कोविड गायब हो जाता है, ठीक है जी, मतलब जहाँ आपकी सरकार आ गई। मेरे पास समय का अभाव है, बोल रहा जी प्लीज समय का अभाव है। भाई विनय जी आप ये बताइए, कल हम फिर डिबेट में बैठेंगे और केशव जी को जरूर बैठाएंगे और ये तमाम हालचाल जो हम कह रहे हैं उसका 30 सेकंड में आप जवाब देखिए। मोहन जी, डर जनता के समर्थन से या राहुल जी की यात्रा से भाजपा को नहीं लग रहा, डर किस चीज का लग रहा है कि जो इस यात्रा के अंदर जो जनमानस से जुड़े जो सामाजिक जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनको भाजपा किसी कीमत पर लोगों के सामने नहीं लाने देना चाह रही है, डर उन मुद्दों से लग रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े मुद्दे जो भाजपा करती है दावे करते आ रही उन दावों की भावना निकलती जा रही है। तो चलिए इस यात्रा से लग रहा है, एक केशव जी ने एक बात कही थी, मोहन जी मुझे कहीं ना कहीं तो उससे विपक्ष से या कांग्रेस से जुड़े हुए लगते, तो मैं केशव जी एक लाइन कहना चाहता हूँ, जिस दिन कवि की कल्पना और पत्रकार की कलम झुकने लगेगी सत्ता के गलियारों में, तो उस दिन मान लेना इनकी भी गिनती होने लगेगी देश के गद्दारों में। तो जो सच्चे पत्रकार होंगे ना वो कभी सत्ता की बढ़ाई नहीं लिखेंगे, वो जनता के मुद्दे उठाएंगे और जो सरकार होगी उसकी नाकामियों को उजागर करेंगे ताकि उनको कर सके। तो ये कि हम जनता को मैसेज चला गया उसी से, मैं तो अभी तक यात्रा में नहीं गया, मैंने कोई यात्रा का कवर नहीं किया है, आप खुद जानते हैं मैंने एक भी यात्रा का कवर नहीं किया, मैं भी जा सकता था फिरोजपुर जेल का, लेकिन नहीं, हम जो देख रहे हैं आज उसमें मैं बैठा हूं और इसीलिए चलो आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एक चर्चा की और देखना यह है कि कल जो दिल्ली यात्रा पहुंचेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ राहुल गांधी कहते हैं और क्या कुछ बीजेपी कहती है और कौन कौन से जो विपक्ष के लोग यात्रा के साथ जुड़ते हैं, क्या कारवा आता है, वो भी तस्वीरें आएंगी उसको भी देखेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहनलाल।